स्वाद के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ सबका फेवरेट मैंगो आइसक्रीम शेक। बहुत इजीली बन जाता है और मैं आपको परफेक्ट तरीका बताऊंगी कि आप घर में कैसे क्रंची क्रिस्टल्स वाला मैंगो आइसक्रीम शेक विद इन 3 to 4 मिनट्स बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को, देख लेते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हमें चाहिए 2 मैंगो बड़े साइज के, साथ में हमें चाहिए 1 कप मैंगो आइसक्रीम, ये हमारे पास 1/3 कप ऑफ शुगर है, ये हमारे पास दूध है जिसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा फ्रीज कर लिया था, ये हमारे पास तकरीबन 2 ग्लास है, ठीक है। बस ये हमारे टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें इस रेसिपी में रिक्वायर्ड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसीजर। तो चलिए मैंगो को मैंने पील कर लिया, अब मैं इसको क्यूब्स में कट कर लेती हूँ। अभी मैं सिर्फ लिक्विड मिल्क डालूंगी, बाद में ये जो हमारे पास क्रिस्टल्स बने हुए हैं, ये क्रिस्टल्स ब्लॉक है, इसको मैं बाद में यूज करूंगी, इसको मैं बाद में ग्राइंड करूंगी ताकि अच्छे से क्रिस्टल्स जो से हो रहे हैं डीफॉर्म ना हो जाए। चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं। एक बार ये ग्राइंड हो गया है, अब मैं इसमें ये बर्फ वाला जो है वो डालूंगी, बर्फ वाला डाल के दोबारा से ग्राइंड करेंगे। तो चलिए ब्लेंड हमने कर लिया है, अब हम सर्विंग ग्लास में डालते हैं। मैंगो क्यूब्स पहले डालेंगे ऐसे, अब हम आइसक्रीम डाल देंगे, नीट कर लेंगे ग्लास। थोड़ी सी आइसक्रीम हम ऊपर से डाल देंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी में बहुत ही मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।